बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। देश के तमाम हिस्सों के साथ ही मेरठ में भी कल यानी शनिवार से कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी के तमाम जिलों के साथ ही मेरठ में भी टीकाकरण की व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। आज इस बारे में CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन ने फर्स्ट बाइट समेत मीडिया को यह जानकारी दी। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर अखिलेश। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 16 तारीख को शनिवार को इसका शुभारंभ कर रहे हैं टीका लगाने का, और हमारे यहाँ 7 साइट्स चिन्हित की गई हैं। उनके नाम हैं LLRM मेडिकल कॉलेज, PL शर्मा हॉस्पिटल, दफन हॉस्पिटल, संतोष नर्सिंग होम, CFC सरदना, CFC मवाना तथा सुभारती मेडिकल कॉलेज। ये 7 साइट्स हैं जिस पे हमारे को ये टीका लगाना है प्रथम चरण के शुभारंभ में, जिसको के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका लगभग 10 बजे के आसपास इसका इनॉग्रेशन करें। कितने लोगों को पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी और किन किन लोगों को ये कल जो वैक्सीन दी जाएगी वो 700 लोगों को लगभग दी जाएगी, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में 19,500 के लगभग लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, जिनकी हम लाइन डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। प्रथम चरण कब तक संपन्न हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे प्रथम चरण को? प्रथम चरण को संपन्न करने में लगभग 4 सेशंस लगेंगे, 3 सेशंस मंडे, फ्राइडे और मंडे। जिस दिन से तारीख आएगी, ऊपर से आदेश आएंगे, वो शुरू हो जाएगा। चौथा सेशन मॉपअप सेशन होगा। जो लोग किसी कारण से उसके अंदर वैक्सीनेशन नहीं करा पाए या रह गए हैं, उसमें उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। लाभार्थी का डाटा भी अपलोड कर दिया जाएगा पोर्टल में उपलब्ध रहेगा? हर लाभार्थी का डाटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और अब वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और अलग अलग जगह पे अलग अलग सेशंस के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और 3 सेशंस के अंदर आइडियली कोशिश है हमारी कि 3 सेशंस के अंदर उसको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अभी ऐसा कोई चिन्हित नहीं किया गया है कि किसका होगा, वो जो लिस्ट आएगी उसके हिसाब से वो किया जा सकता है। क्योंकि पहला जो भी वैक्सीन होगा जो पहले पहुंचेगा साइट पे, लिस्ट के अंदर उसका नाम हो और पहले पहुंचेगा उसी का होगा। सर, अगर कोई साइड इफेक्ट होता तो उसकी क्या तैयारी स्वास्थ्य विभाग की? पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के नाम लिस्ट में है, जो आपके पास जो जिन लाभार्थियों के पास SMS जाएगा, उसके हिसाब से उसको किया जाए। सर, अगर कोई साइड इफेक्ट देखा जाता है किस तरह का, तो क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग? साइड इफेक्ट के लिए हम लोगों ने एक AFI की कमेटी बनाई हुई है। हमारे डॉक्टर्स हर साइट पे अवेलेबल हैं, जो कि इस तरह की कोई भी अगर संभावना होती है तो उसको तुरंत उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन क्योंकि ये टीका जो है ये पहले इंग्लैंड में 10% लोगों को लग चुका है, कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर वही साइड इफेक्ट होंगे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंदर बुखार आना, लाल होना, दर्द होना, उसी तरह का अभी तक जो हमारे पास स्टडीज हैं उसमें इसी तरह के साइड इफेक्ट सामने आए। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।